हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोगों को लेकर आए फ्रेंड्स वर्ब। देखिए ये आपका वर्ब का पार्ट 3 है और यही आपका सबसे वर्ब का लास्ट आपका पार्ट होगा, फिर आपका वर्ब खत्म हो जाएगा। तो वर्ब फ्रेंड्स होते थे कितने टाइप्स की, दो टाइप्स की। एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग मॉडल वर्ब भी बोलते थे और एक आपका मेन वर्ब जिसे हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते थे। तो हम जानेंगे कि मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स यानी एक्शन वर्ब होता है वो भी आपकी टू टाइप्स की होती है। तो वो टू टाइप्स कौन कौन सी है, तो पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड होता है फ्रेंड्स आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी सकारात्मक क्रिया नकारात्मक क्रिया आपका फ्रेंड्स। तो मेन वर्ब होता क्या था, जो फ्रेंड्स एक सेंटेंस में बिल्कुल मेन की तरह काम करे। जैसे मैं हम एरोप्लेन वाला लिए थे एग्जांपल, स्कूटर वाला लिए थे हम, टेम्पू ऑटो वाला लिए थे, टेम्पू वाला लिए थे फ्रेंड्स, ये सब हम लिए थे ठीक है। तो उसमें आपको क्या होता था मेन वर्ब, हम रिविजन कर लेते हैं हल्का सा। मेन वर्ब क्या होता था फ्रेंड्स, जो आपको क्या दिखाता हो, जैसे कि ऑटो है ठीक है, तो ऑटो में एक ऑटो को चलाने के लिए बहुत बड़ा इंजन लगता होगा। ऑटो को चलाने के लिए बहुत बड़ा इंजन लगता है, वही वाला सबसे मेन इंजन कहलाता है। लेकिन जो आपका क्लच होता है ना, उसके लिए छोटा छोटा इंजन, और बाकी और के लिए, और जो फ्रेंड्स ब्रेक होता है उसके लिए छोटा छोटा इंजन, ये सब लगता है। लेकिन अगर वही बड़ा वाला चला पूरा गाड़ी को संभालता है तो बड़ा सा इंजन लगा हुआ रहता है ठीक है। तो वही आपका मेन वर्ब कहलाता था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेन वर्ब भी आपकी दो टाइप्स की होती है, वो कौन कौन सी टाइप है। तो पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकारात्मक नहीं होगा फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया। और फ्रेंड्स आपका इनट्रांजिटिव का मतलब होगा अकर्मक, क्रिया। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, यानी व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम बोले कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आपका डिफिनेशन टाइप का हो जाएगा फ्रेंड्स। डिफिनेशन मान लीजिए तो कि एक वैसा क्रिया है, ये एक ऐसा क्रिया है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है फ्रेंड्स। वहां पे क्या आपका तीन होते हैं, एक सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है, एक आपका सब्जेक्ट का, एक वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट भी दिया रहेगा आपका, वर्ब भी दिया रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा आपका फ्रेंड्स, वहां से गायब रहेगा। यानी क्या सब्जेक्ट वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस तो बन जाएगा जैसे हम लोग देखें नेहा वीप यानी रोती है, नेहा रोती है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ नेहा, रोना वीप क्या हुआ आपका वर्ब हुआ। लेकिन फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट नेहा रोती है, लेकिन किस चीज के लिए रोती है, नेहा पीटती है, नेहा पीटती है यानी नेहा बीट।
तो फ्रेंड्स नेहा पीटती है, लेकिन किसको पीटती है? दीवार को पीटती है, फिर बोर्ड को पीटती है। फ्रेंड्स ये आपका पता नहीं चल रहा है, इसी कारण इसका क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, आपका ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है कि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। तो क्या हम इसको लिखेंगे, इसे ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स आप लोग को समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। पढ़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम एग्जांपल लिख देते हैं, हाँ यहाँ एग्जांपल लिखते हैं। किरण लव्स फ्रेंड्स, क्या है किरण लव्स, यानी क्या फ्रेंड्स, किरण प्यार करती है, लेकिन किससे, मम्मी पापा या फ्रेंड्स, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ये आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस को नहीं बना रहा है। इसे किरण क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, लेकिन किससे करती है आपका, वो आपका पता नहीं चल रहा है। अगर वो दे देता तो ये आपको क्या हो जाता, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब दे दिया जाता है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब में, लेकिन वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है उसको, वहाँ पे ऑब्जेक्ट देता ही नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी आपको दिया हुआ रहेगा कि सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, आपका वर्ब दिया हुआ रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, तब आप क्या समझिएगा कि वो आपका ट्रांजिटिव है। या फिर इसको कम एक सेंटेंस तो बना देगा फ्रेंड्स, लेकिन सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसे फ्रेंड्स आप बोलते हैं कि नेहा पीटती है, लेकिन किसको पीटती है, नेहा हंसती है, लेकिन किस बात पर हंसती है, नेहा रोती है, लेकिन किस बात के लिए रोती है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हम जान लिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। What is intransitive verb? यानी intransitive का मतलब क्या होता है, अकर्मक, यानी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया होता है जो इसका बिल्कुल अपोजिट यानी विपरीत होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी ना ट्रांजिटिव का, तो इन ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, ये खुद को अपना एक मीनिंग बना लेता है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे में कि हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एग्जांपल में, तो फ्रेंड्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब का फ्रेंड्स, तो इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मतलब कि द पुलिस रन, यानी पुलिस दौड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। फ्रेंड्स देखिए ये आपका वर्ब पूरा आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट वन में हम आपको पढ़ाते सिर्फ वर्ब, पार्ट टू में पढ़ा दिए कि वर्ब कितने टाइप्स की होती है। तो ट्रांजिट एक पहला होता था हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग मॉडल वर्ब भी बोलते थे, और एक दूसरा होता था फ्रेंड्स आपका मेन वर्ब, जिसे हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते थे। तो मेन वर्ब कितने टाइप्स की होती है जो आपका हम देख दिए। पार्ट थ्री में कि टू टाइप का ट्रांजिटिव वर्ब, इसे कर्मक क्रिया, इन ट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, सकर्मक कि इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एक कंप्लीट मीनिंग को बनाने के लिए, सॉरी फ्रेंड सेंटेंस को बनाने के लिए।
और इंट्रांसिटिव को है कि इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज करा ये आपका टॉपिक वर्ब आपका पूरा समाप्त हुआ। फ्रेंड्स अब हम आपका पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का पांचवा पार्ट लेकर आएंगे, वो है आपका फ्रेंड्स एडवर्ब।